हेलो माई डियर स्टूडेंट्स यो वेलकम अगेन टुडे स्टडी एन एस ए विच इज़ गिवन इन द सिलेबस ऑफ ट्वेल्थ इंग्लिश लिटरेचर द टाइटल ऑफ द एसे इज द ऑग्यूमेंटेटिव इंडियन विच इज़ रिटन बाई अमृत सेन द फेमस इकोनमिस्ट एंड द नोबल प्राइज़ विनर फ्रॉम इंडिया लेट मी रिमाइंड यू वन थिंग फर्स्ट आपके नॉन फिक्शन के सेक्शन में जो फोर एस एस दिए हुए हैं उनमें से एग्जाम में ऑलमोस्ट टेन मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वन शॉर्ट आंसर टाइप और वन लॉन्ग आंसर टाइप सो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा एंड में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी आपको मिलेंगे और अगर इस चैप्टर के सभी मेन पॉइंट्स जिनकी समरी हमने ऑलरेडी लिख ली है अगर ये आपने अच्छे से समझ लिए तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी ऑल सो लेट्स बिगिन विद इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर अमर्त्य सेन इनका बर्थ 1933 में शांति निकेतन में हुआ जो उस वक्त ब्रिटिश इंडिया में था प्रेजेंटली ये वेस्ट बंगाल में है प्रेजेंटली अमृत सेन एटी सिक्स ईयर्स के हैं और ये लेमोंट यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स के और फिलोसफी के इनको इकोनॉमिक्स की फील्ड में 1998 में नोबेल प्राइज़ मिला और उसके जस्ट एक साल बाद 1999 में भारत रत्न भी मिल चुका है एक और इंटरेस्टिंग बात इनके बारे में ये कि इनका नाम इनको भारत के महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस ऐसे इन दिस ऐसे ही राइट्स अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गमेंटेटिव ट्रेडिशन विच हैज लॉन्ग बीन प्रेजेंट इन इंडिया एंड ही ऑल्सो सेज दैट द डिबेट्स एंड ऑर्गूमेंट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन पब्लिक लाइफ इस लेख में वो ये कहते हैं कि भारत में ऑर्ग्यूमेंट और डिबेट की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है और पब्लिक लाइफ में सार्वजनिक जीवन में वाद विवाद संवाद चर्चा तर्क वितर्क इनका एक बहुत बड़ा महत्व है वो बहुत से फेमस डिबेट्स जो अपने इंडियन हिस्ट्री में हुए उनका एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि किस तरह से डिबेट्स और ऑर्गूमेंट्स से सोसाइटी इन्फ्लुएंस होती है और डिबेट्स और ऑर्गूमेंट्स होने से ही हमारा समाज रिफॉर्म करता है सुधार करता है बाद में वो कहते हैं कि हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री में ऑर्गुमेंटि ट्रेडिशन को कंटिन्यू करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से हमारे समाज की कई बुराइयाँ कई असमानताएं दूर होती हैं जैसे प्राचीन समय में भी, भी हुई चलिए ये सारी बातें आपको इस चैप्टर के पॉइंट्स में समझ में आ जाएंगी तो चलिए शुरू करते हैं और ऐसे की बिगनिंग वो इस लाइन से करते हैं कि प्रोलिक्सिटी इज़ नॉट एलियन टू तो इंडिया प्रोलिक्जिटी का मतलब होता है स्पीच भाषण देना वो कहते हैं कि भारत के लिए भाषण देना यानी भारतीयों के लिए भाषण देना तर्क वितर्क करना चर्चा करना कोई अनोखी बात नहीं है एलियन यानी कोई अनोखी नई बात नहीं है इसमें भारतीय हमेशा से ही माहिर रहे हैं उनके कहने का मतलब एग्जाम्पल देते हैं जस्ट बाद में कृष्ण मैनन का कृष्ण मैनन कौन थे ये अपना पहला क्वेश्चन भी है कृष्ण मैनन जैसा कि यूएन असेंबली में जो अपने इंडिया की तरफ से डेलीगेशन जाता है तो ऐसे ही एक बार कृष्ण मैनन अपने इंडियन डेलीगेशन के लीडर प्रतिनिधि बन के गए थे और उन्होंने यू एन असेंबली में नाइन आवर्स नॉन स्टॉप स्पीच दी थी तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है तो वो ह्यूमरसली कहते हैं कि अपने भारतीयों के नाम तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है बोलने का भाषण देने का तर्क वितर्क और विवाद करने का उसके बाद कहते हैं कि ये तो चलो मॉडर्न इंडिया की बात हो गई अपने एंशंट टाइम में भी प्राचीन समय में भी वी फाइंड डिस्क्रिप्शन ऑफ डिबेट्स और आर्ग्यूमेंट्स इन आवर हिस्ट्री हमारे इतिहास में भी फेमस डिबेट्स देखने को मिलते हैं जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है जैसे वो महाभारत रामायण के एग्जाम्पल्स भी देते हैं उसके बाद उन्होंने चैप्टर को तीन सेक्शंस में डिवाइड किया है पहला सेक्शन है डायलॉग एंड सिग्निफिकेंस यानी बातचीत और उसका महत्व यानी डायलॉग्स का डिबेट्स का आर्ग्यूमेंट्स का कितना महत्व है उसके क्या फ़र्क पड़ता है हमारे समाज पर वो कहते हैं कि द आर्ग्यूमेंट्स आर सब्सटेंटिव यानी वाद विवाद तर्क वितर्क पब्लिक डिबेट्स बड़े महत्वपूर्ण होते हैं इस बात को समझाने के लिए वो पहला एग्जाम्पल देते हैं गीता का गीता महाभारत का वो सेक्शन जिसमें कृष्ण और अर्जुन एक दूसरे से डिबेट करते हैं आप सबने सुन रखा होगा इसमें दो पॉइंट्स आप याद रख लीजिए अपना क्वेश्चन भी है सो अर्जुन एक्सप्रेसिज इज कंसर्न अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज अर्जुन अपनी चिंता व्यक्त करते हैं कि जो वो करने जा रहे हैं जो वो युद्ध लड़ने जा रहे हैं उसके परिणाम क्या होंगे उसका समाज पर क्या असर पड़ेगा और अगर वो अपनों को मार के जीत भी जाएंगे तो उस जीत का वो करेंगे क्या तब कृष्ण भगवान उनका विरोध करते हुए कहते हैं कि वन शुड ऑलवेज एम्फेसाइज ऑन इज ड्यूटी यानी एक इंसान को हमेशा अपने कर्तव्य को प्रधान मानना चाहिए इंसान को अपना कर्तव्य करना चाहिए उसके परिणामों की फल की चिंता नहीं करनी चाहिए तो कृष्ण भगवान के इस उपदेश को हमारे देश के लोगों ने तो अपनाया ही है उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में अम्बर सेन कहते हैं कि कृष्णाज मॉरल पोजिशन हैज़ बीन एंडोस्ड बाई मैनी फॉरन कमेंटेटर्स ऑल्सो हमारे देश के लोगों ने ही नहीं कृष्ण भगवान के गीता के उपदेश को दुनिया भर के लोगों ने अपनाया है इस डिबेट्स ने पूरी दुनिया भर के लोगों को एक तरह से दिशा दिखाई है जीवन में जीने की कैसे कुछ एग्जांपल्स हैं अपना क्वेश्चन भी है ध्यान दीजिएगा ये चारों नाम आपको याद रखने हैं सबसे पहले बात करते हैं क्रिस्टोफर ईशरवुड की ये एंग्लो अमेरिकन नावलिस्ट थे जिन्होंने गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था उसके बाद बात करते हैं टी एस एलियट की ये एक ब्रिटिश अमेरिकन पोइट थे जिन्होंने अपनी पोएम जिसका नाम था फोर क्वार्टर्स उसमें कृष्णा के व्यूज़ को समराइज़ किया था अपने वर्ड्स में और इनकी एक लाइन बड़ी फेमस है इंग्लिश में कि नॉट फेयर वेल फेयर फॉरवर्ड व अपनी पॉइम में उन्होंने ऐसे कि आप आगे बढ़ो आप क्या कर रहे हो उसके सही गलत की चिंता आप मत करो तो इस तरह से टी एस एलियट ने भी अपनी पॉइम फो क्वार्टर्स में कृष्णा के व्यूज को समराइज किया विल्हम वोन हमबोल्ट यह एक जर्मन फिलोसोफर थे जिन्होंने गीता को द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड ट्रू फिलोसफिकल सॉन्ग कहा उसके बाद जे रॉबर्ट ओपन इन्होंने भी कृष्ण के शब्दों को अपनाया दोहराया ये कौन थे जब 1945 में अमेरिका ने जापान पे न्यूक्लियर अटैक किया था वो जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया गया था उस टीम के लीडर थे जे रॉबर्ट ओपन और जब उन्होंने अपने बॉम्ब को यूज़ करने के बाद में उसके रिजल्ट्स देखे तो उन्होंने अपने उस काम को जस्टिफाई करने के लिए कृष्ण के शब्दों को दोहराया कि आई एम बिकम द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड कहने का मतलब ये भी गीता से इन्फ्लुएंस्ड थे तो क्रिस्टोफर ऋषरव टी एस एलियट विलहेम वॉन हमबोल्ट और जे रॉबर्ट ओपन जैसे महान लोगों ने भी डिबेट्स इंडियन डिबेट्स से बहुत कुछ सीखा है उसके बाद में अमर सेन कहते हैं कि कृष्णा की मॉरल पोजीशन को तो सब ने ही अपनाया है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस डिबेट का जो दूसरा पक्ष था अर्जुन का पक्ष वो बिल्कुल नेगलीजिबल था या इग्नोर करने लायक था वो कहते हैं कि देर इज़ अ रीज़न फॉर रिफ्लेक्टिंग अर्जुन कंसर्न कि अर्जुन की चिंता पर भी चिंतन करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है आज के समय में क्योंकि हर कोई कृष्ण भगवान के उन शब्दों को आधार मानकर काम ही करते रहेगा कि भाई कर्म करते रहो सही है या गलत इसकी चिंता मत करो इसका क्या परिणाम होगा ये भी चिंता मत करो तब तो दुनिया विनाश की ओर चली जाएगी फिर तो टेररिस्ट्स भी सही है हम जो पर्यावरण प्रदूषण करते हैं वो भी सही है और इस दुनिया में जितनी भी वॉयलेंस हो रही है वो भी यही कहेंगे कि हम तो कर्म कर रहे हैं फल की चिंता हम क्यों करें जो भी हो रहा है वो सही है तो कहने का मतलब अमृत सेन कहते हैं कि डिबेट्स में जो दोनों पक्ष होते हैं उनको देखना चाहिए अर्जुन की कंसर्न भी बिल्कुल सही थी उसके बाद कहते हैं कि दोज ऑर्ग्यूमेंट्स यानी ये जो गीता के ऑर्ग्यूमेंट्स हैं रामायण के ऑर्ग्यूमेंट्स हैं ये लाखों हज़ारों साल पुराने हैं फिर भी रिमेन रेलिवेंट आज भी प्रासंगिक हैं आज भी सही लगते हैं इन द कंटेम्प्ररी वर्ल्ड हमारे समकालीन समाज में उसके बाद में अगले सेक्शन में वो कहते हैं जेंडर कैस्ट और वॉइस की बात कि हमारे देश में जो ऑर्ग्यूमेंटेटिव ट्रेडिशन इतने पुराने लंबे समय से चला आ रहा है उसमें क्या सभी जेंडर्स ने यानी मैन और वुमेन दोनों ने भाग लिया सभी कैस्ट्स ने भाग लिया या कोई पर्टिकुलर कैस्ट ही थी जो ऑर्गमेंटेटिव ट्रेडिशन को चलाते आ रही थी और किस किस ने आवाज़ उठाई तो सबसे पहले वो जेंडर की बात करते हैं उससे पहले वो एक लाइन लिखते हैं कि इंडिया हैज़ हैड इनिक्वेलिटीज़ ऑन जेंडर क्लास कैस्ट कम्युनिटी कि भारत में असमानताएँ तो हर आधार पर रही हैं जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, आ, समुदाय के आधार पे, लेकिन आर्गुमेंटेटिव ट्रेडिशन में हर जेंडर ने हर कैस्ट ने हर कम्युनिटी ने भाग लिया है सबसे पहले वो जेंडर की बात करते हैं कि मैन हैव रूल्ड द डिबेट्स एंड ऑर्गूमेंटेटिव मूव इन इंडिया वो कहते हैं कि हाँ भारत में जो भी ऑर्गूमेंटेटिव मूव्स हुई यानी जो भी वाद विवाद और आंदोलन हुए उनमें मुख्य भूमिका पुरुषों ने ही निभाई ये तो सच है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आगे वो कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि महिलाओं ने बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लिया और इसका मतलब ये भी नहीं है कि महिलाओं में डिबेट्स में पार्टिसिपेट करने की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी नहीं है इसलिए वो कहते हैं कि स्टिल वुमेंस रोल इज़ नॉट नेग्लिजिबल महिलाओं की भूमिका नगण्य नहीं रही है आंदोलनों में या डिबेट्स में वो एग्जांपल देते हैं जैसे कि इन मॉडर्न इंडिया देर आर सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज़ विच हैव बीन लेड बाय वुमेन वो कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनकी अध्यक्षता महिलाओं द्वारा की गई एग्जाम्पल के लिए वो नाम लेते हैं सरोजिनी नायडू का निली सेन गुप्ता का जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी और वो भी अपने देश के आज़ाद होने से पहले उसके बाद कहते हैं कि वुमेन आल्सो टुक पार्ट इन फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया तो महिलाएं किसी भी तरह से ना तो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी में और ना ही कॉन्फिडेंस में कम नहीं है ये तो बात होगी मॉडर्न इंडिया की वो कहते हैं कि प्राचीन भारत में भी महिलाओं ने अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी शो की है और वो भी दुनिया के सबसे फेमस डायलॉग्स डिबेट्स में पार्टिसिपेट करके कहते हैं कि इवन इन एंशेंट इंडिया सम ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड डायलॉग्स हैव इन्वॉल्व वुमेन यानी प्राचीन भारत में भी जो सबसे सेलिब्रेटेड यानी सबसे प्रसिद्ध वाद विवाद हैं उनमें महिलाएं शामिल रही हैं कुछ एक एग्जांपल्स देते हैं जैसे गार्गी याज्ञवाल के डिबेट मैत्री याज्ञवाल के डिबेट और द्रौपदी युधिष्ठर डिबेट इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता देते हैं गार्गी याज्ञवाल के डिबेट में क्या होता है कि राजा जनक जब सिंहासन ग्रहण करते हैं तो वो सिंहासन पे बैठने के बाद में देश के सभी विद्वानों से उपदेश लेना चाहते हैं और उस वक्त सबसे बड़े विद्वान होते हैं याज्ञवाल के तो वो एक युक्ति निकालते हैं एक यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं और उसमें दुनिया भर के संतों को ऋषियों को और विद्वानों को बुलाते हैं और एक कॉन्टेस्ट रखते हैं और कहते हैं कि मेरी गौशाला में हज़ार गायें हैं जिनके सिंगों पर स्वर्ण मुद्राएं जड़ी हुई हैं जो भी इस सभा में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी है वो उन हज़ार गायों को ले जाए तो कोई आगे नहीं आता क्योंकि अपने आप को ब्रह्मज्ञानी कहने पे सबको संदेह होता है तो याज्ञवल के जी आगे आते हैं और अपने शिष्य से कहते हैं कि बेटा अब ये हज़ार गायों को अपने आश्रम ले जाओ तो सारे विरोध करते हैं कहते हैं कि तुम अपने आप को ब्रह्मज्ञानी मानते हो तो हमारे सवालों का जवाब दो तो सारी सभा में बड़े बड़े महान पंडित जो होते हैं वो सभी सवाल करते हैं और यज्ञ वल्के जी बड़े सौम्य भाव से सबको एक एक का जवाब देते हैं लेकिन वो कोई मानते नहीं हैं तो इतने विद्वानों की भरी सभा में 18 वर्ष की वो छोटी सी बालिका गार्गी खड़ी होती है और उस विवाद का समापन करते हुए कहती है कि अगर आप सबकी अनुमति हो तो मैं यज्ञ जी सिर्फ दो सवाल करना चाहूँगी अगर मेरे इन दो सवालों का जवाब याज्ञ जी ने दे दिया तो आप ये सब मान लीजिएगा कि शास्त्रार्थ में आप यज्ञवल्ल जी को कभी भी नहीं हरा सकते और फिर वो दो सवाल करती है और वो बड़े शानदार प्रश्न होते हैं जो चैप्टर में दिए हुए नहीं है और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है ये पॉइंट इसलिए बताया जा रहा है कि महिलाओं में भी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी रही है डिबेट्स में पार्टिसिपेट करने की तो गार्गी यज्ञवल की जो सवाल करती है और यज्ञवल के उनके सवालों का जवाब भी दे देते हैं लेकिन इससे ये शो होता है कि महिलाओं ने भी पार्टिसिपेट किया है फिर मैत्रेय यज्ञवल के डिबेट मैत्रेय कौन थी यज्ञवल के जी की पत्नी थी और वो के जिसे ऐसा सवाल करती हैं, जो सवाल हमारे देश में में हर धर्म दोहराया जाता है मैत्री से यह सवाल करती है कि अगर मैं पूरे धरती की दौलत भी अगर दे दूं तो क्या मैं अमर हो सकती हूं तो के जवाब देते हैं कि नहीं आप कितनी भी धन दौलत आपके पास हो और आप उससे अमर नहीं हो सकते आप इमोटलिटी नहीं अचीव कर सकते तो इस तरह के डिबेट्स में महिलाएं शामिल रही हैं उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग डिबेट की द्रौपदी युधिष्ठ डिबेट जैसे कि हमने पढ़ा अर्जुन भी युद्ध में जाने से मना कर देते हैं वैसे ही युधिष्टर जो पांचों पांडवों में सबसे श्रेष्ठ और बड़े होते हैं वो भी युद्ध में जाने से मना कर देते हैं तो द्रौपदी उनको इंस्पायर करती हैं वो युधिष्ठर को प्रोत्साहित करके युद्ध में जाने के लिए मनाती हैं तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग डिबेट है तो ये इस सेक्शन में हमें यह समझ में आता है कि पुरुषों के अलावा महिलाओं ने भी ऑर्ग्यूमेंटेटिव ट्रेडिशन को आगे ले जाने में बड़ी भूमिका निभाई है उसके बाद सेन क्लास कैस्ट और कम्युनिटी की बात करते हैं और कहते हैं कि ऑर्ग्यूमेंटेटिव ट्रेडिशन हैज़ क्रॉस द बैरियर्स ऑफ क्लास एंड कैस्ट यानी कोई भी वर्ग हो या कोई भी जाति हो इन सब की बाधाओं को भी दूर किया है ऑर्ग्यूमेंटेटिव ट्रेडिशन ने इन बाधाओं को भी पार किया है कैसे द डिसडवानटेज ग्रुप्स हमारा समाज जैसे कि बहुत सारी असमानताएं थीं अलग अलग धर्मों में अलग अलग जातियों में अलग अलग वर्गों में बटा हुआ था तो जो भी सोशली डिसएडवाटेज ग्रुप्स थे इसका मतलब है जो भी वंचित समूह थे जिनको निम्न माना जाता था उन्होंने चैलेंज किया यानी निम्न जाति के लोगों ने चुनौती दी किसको को ब्राह्मणिकल सुपरियोरिटी को और ऑर्थोडॉक्सी को हमारे समाज में जैसे ज़्यादातर हिंदुज़म में ब्राह्मणों को श्रेष्ठ माना जाता था और वो उच्च जाति के माने जाते थे और बाकी कुछ जातियाँ जी जो थी वो बहुत ही लोअर और लोअरर थी तो उन लोअर और लोअर जातियों ने उस ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी को यानी ब्राह्मणों के उस रूढ़िवाद को ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को चैलेंज किया और सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स रेजड देयर वॉइस और निम्न जाति के लोगों ने आवाज़ें उठाई तो ये भी क्या है ऑर्गोमेंटेटिव ट्रेडिशन का हिस्सा रहा है तो हर जाति ने इसमें पार्टिसिपेट किया है उसके बाद कहते हैं कि इट्सप्रेड द बुद्धिज़्म एंड जैनिज़म इन इंडिया भारत में इसी वजह से जैनिज़्म और बुद्धिज़्म का प्रसार हुआ फैलाव हुआ क्यों क्योंकि जैनिज़्म और बुद्धिज़्म में लेवलिंग फीचर था लेवलिंग फीचर का मतलब है समानता की विशेषता इन दोनों धर्मों में कोई ऊंच नीच नहीं होती कोई छोटा बड़ा नहीं होता जैसे कि हिंदुइज्म में कभी कभी हमें देखने को मिलता है कि जाति प्रथा है कोई ऊंची जाति कोई नीची जाति हालांकि अब ये नहीं रहा है इतना लेकिन एक सम एक ज़माने में अनटचेबिलिटी जैसे और ये कैस्टिज़म जैसे बहुत बड़े बड़े सोशल लेवल्स थे तो एक तरह से देखें तो जैसे जैसे इन लोगों ने आवाज़ें उठाई उस जाति प्रथा के खिलाफ वैसे वैसे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का फैलाव हुआ स्प्रेड हुआ और उसके बाद में अमृत सेन कहते हैं कि इन मच लेटर पीरियड और ये तो बहुत पहले की बात है बहुत समय बाद भी हमारे फिफ्टीन सेंचुरी में आज से लगभग चार सौ साल पहले मैनी पोइट्स रिजेक्टेड सोशल बेरियर्स हमारे देश में ऐसे महान इंटेलेक्चुअल पीपल हुए हैं पोइट्स हुए हैं जिन्होंने सामाजिक बंधनों को पार किया और बिल्कुल नहीं माना और बड़े अच्छे एग्ज़ाम्पल्स हैं जैसे कबीर दादू रविदास और मीरा कबीर जी बहुत ही निम्न जाति से थे और मीरा भाई बड़े बड़े घराने से थीं लेकिन इन्होंने जाति जात पात को ऊंच नीच को बिल्कुल नहीं माना तो इस तरह से अमृतसैन इन दो सेक्शंस में ये कहते हैं कि ऑर्गुमेंटेटिव ट्रेडिशन को आगे लाने में इंडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है और हर एक ने इसको आगे बढ़ाया है अब चलते हैं अपने इस चैप्टर के लास्ट सेक्शन की ओर जिसमें वो बताते हैं कि डेमोक्रेसी में ऑर्ग्यूमेंटेटिव ट्रेडिशन का डिबेट्स का पब्लिक डिबेट्स का क्या महत्व है क्या इंपॉर्टेंस है ऑल राइट तो चलिए नोट करते हैं वो पॉइंट्स जल्दी से यह है इस चैप्टर का लास्ट पार्ट डेमोक्रेसी एज पब्लिक रीजनिंग जिसमें अमर सेन ये कहते हैं कि द ऑर्ग्यूमेंटेटिव ट्रेडिशन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पब्लिक लाइफ इन डेमोक्रेसी कि लोकतंत्र में आम जनता के जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है हमारे ऑर्ग्यूमेंटेटिव ट्रेडिशन का ये तो हम सब भी जानते हैं कि जब तक जनता के पास ऑर्ग्यू करने अपनी आवाज़ रखने या किसी चीज़ का विरोध करने का अधिकार ना हो तब तक डेमोक्रेसी ठीक से एस्टेब्लिश हो ही नहीं सकती इसीलिए डेमोक्रेसी में ऑर्ग्यूमेंटेटिव ट्रेडिशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है लेकिन दो तरह की प्रॉब्लम्स है जिनके बारे में सेन आगे बताते हैं इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अवॉइड ट्विन पिटफॉल्स इन दो तरह की कठिनाइयों को दूर करने की बहुत ज़रूरत है पहली ये कि टेकिंग डेमोक्रेसी टू बी अ गिफ्ट ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड अपने देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि हमें डेमोक्रेसी वेस्टर्न वर्ल्ड का एक गिफ्ट है यानी पश्चिमी सभ्यता से मिली है हमें डेमोक्रेसी अमृत सेन कहते हैं ऐसा नहीं है इस चीज़ को दूर करना चाहिए इस थॉट को दूर करना चाहिए इसके विपक्ष वाले क्या कहते हैं कि इंडिया हैज़ अ यूनिक हिस्ट्री सो इट बिकेम अ डेमोक्रेटिक कंट्री कि जी ये वेस्टर्न वर्ल्ड का गिफ्ट नहीं है इंडिया की हिस्ट्री ऐसी थी कि इसे एक दिन डेमोक्रेटिक कंट्री बनना ही था अमृत सेन के नज़रों में ये भी गलत बात है ना तो ये वेस्टर्न वर्ल्ड का गिफ्ट है और ना ही इंडिया की हिस्ट्री ऐसी है जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री की ओर आगे बढ़े क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं थी राजाओं का राज था तो इन दो गलतियों को सुधारना जरूरी है अमृत सेन की नज़रों में आगे वो कंक्लूड करते हैं इस चैप्टर को और कहते हैं कि द पॉइंट इज़ दैट बात ये है कि डेमोक्रेसी इज़ कनेक्टेड विद पब्लिक डिस्कशन जनता की चर्चा जनता की राय या फिर जनता के बीच में आपसी वाद विवाद से चर्चा से संवाद से संबंध है डेमोक्रेसी का जब तक पब्लिक डिस्कशन सर्वे पर ही नहीं होगा तब तक डेमोक्रेसी नहीं रह सकती इसलिए हमें आर्गुमेंटेटिव ट्रेडिशन जो हमेशा से चला आ रहा है उसको जारी रखना है ताकि पुराने ज़माने में भी डिस्कशन से डिबेट्स से ऑर्ग्यूमेंट्स से कई सुधार हुए आज भी हम अपनी डेमोक्रेसी में इस ट्रेडिशन को जारी रख के कई सुधार कर सकते हैं और लास्ट में वो कहते हैं कि सो एज लॉन्ग एज दिस ट्रेडिशन कंटीन्यूज़ जब तक ये अपना ट्रेडिशन आर्ग्यूमेंट्स का डिबेट्स का ट्रेडिशन चलेगा या चला सकते हैं डेमोक्रेसी बिकम्स ईजियर टू इंस्टीट्यूट एंड प्रिजर्व तब तक अपन हाँ डेमोक्रेसी को अच्छे से बनाए रख भी पाएंगे और इसकी सुरक्षा भी कर पाएंगे सो दैट वाज द चैप्टर द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन जिसमें अमृत सेन ने हमें आर्गमेंटेटिव ट्रेडिशन की इम्पोर्टेंस बताई कई सारे एग्जाम्पल्स देकर आई होप आपको ये चैप्टर के सारे मेन पॉइंट्स आसानी से समझ में आ गए होंगे अब बिना देरी के चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की ओर पीछे वीडियो में हमने जितने भी मेन पॉइंट्स पढ़े हैं ये सारे क्वेश्चन आंसर्स वहीं से है सो आई थिंक आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है और वैसे भी आप लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे लेकिन फिर भी एक बार जल्दी से नज़र डाल लेते हैं इन क्वेश्चन आंसर्स पे पहला क्वेश्चन है कि कृष्ण मैनन कौन थे उन्होंने कितने लंबे समय तक स्पीच दी तो कृष्ण मैनन इंडियन डेलीगेशन के लीडर थे नौ घंटे तक उन्होंने नॉन स्टॉप स्पीच दी थी सेकेंड क्वेश्चन है कुछ फॉरेन कमेंटेटर्स का नाम बताना है जिन्होंने कृष्ण की मुरल पोजिशन को एंडोर्स किया यानी समर्थन किया तो चार नाम आपको याद रखने हैं क्रिस्टोफर ईशरवुड टी एस एलियट विलहेम वॉन हमबॉल्ट और जे रॉबर्ट ओपिन तीसरा क्वेश्चन है कि क्या हम धन के माध्यम से इमोर्टिलिटी अमृतव प्राप्त कर सकते हैं याज्ञ के अनुसार तो नहीं कर सकते ये सवाल मै ने पूछा था उनकी पत्नी ने जिसके जवाब में उन्होंने ये बताया अगला क्वेश्चन है कि भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन के डिबेट का टॉपिक क्या था काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये डिबेट हुआ था महाभारत के युद्ध के पहली शाम को जिसमें अर्जुन ने अपनी चिंता व्यक्त की टेरिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द वॉर युद्ध के भयानक परिणामों के बारे में और वो युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे तो लॉर्ड कृष्णा ने एम्फोसाइज किया डूइंग वंस ड्यूटी ये कहते हुए कि इंसान को अपना कर्तव्य करना चाहिए परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए फिफ्थ क्वेश्चन है कि टी एस एलियट ने कृष्ण के व्यूज़ को कौन सी पॉइम में और कैसे समराइज़ किया है तो पॉइम का नाम है फोर क्वार्टर्स और उन्होंने इस पॉइंट में लिखा कि एंड डो नॉट थिंक ऑफ द फ्रूट ऑफ द एक्शन फेयर फॉरवर्ड फल की चिंता मत करो आगे बढ़ो आगे इसको एक्सप्लेन करते हुए लिखते हैं कि नॉट फेयर वेल बट फेयर फॉरवर्ड वो फेयर और वेल के बीच में थोड़ा स्पेस दे दीजिएगा प्रिंटिंग मिस्टेक लास्ट क्वेश्चन इंडिया के इंटेलेक्चुअल इंटेलैक्चुअल में और पॉलिटिकल लीडरशिप में यानी भारत के बौद्धिक कार्यों और राजनीतिक नेतृत्व में महिलाओं का क्या रोल रहा है तो काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल रहा है और कई पार्टीज़ को लीड किया है जैसे सरोज नायडू नीली सेन गुप्ता उसके बाद हम लिखेंगे गार्गी मैत्रेयी द्रौपदी जैसी महिलाओं ने तो कई फेमस डायलॉग्स में पार्टिसिपेट भी किया है फिर लॉन्ग आंसर्स का पहला क्वेश्चन है कि क्या फेयर फॉरवर्ड फेयरवेल से बेटर है तो पहले हम फेयर फॉरवर्ड फेयरवेल का अर्थ बताएंगे कि फेयर फॉरवर्ड का अर्थ तो है कि सिर्फ आगे बढ़ते रहना और फेयर वेल का मतलब है कि अच्छा काम करके परिणामों की चिंता करके उसके बाद आगे बढ़ना तो हम आज के ज़माने के हिसाब से लिखेंगे तो फेयर फॉरवर्ड नहीं फेयर वेल ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सिर्फ आगे ही बढ़ते रहेंगे तो हम कई विनाशकारी परिणाम भी उत्पन्न कर देंगे इसलिए कंटेप्रेरी वर्ल्ड में फेयर फॉरवर्ड ही नहीं बल्कि फेयर वेल को भी ध्यान में रखकर हमें काम करना चाहिए इसी को हमने एक्सप्लेन किया है सेकेंड क्वेश्चन ये है कि जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स थे और क्लासेस थी यानी सामाजिक रूप से पिछड़े हुए समूह और वर्ग उन्होंने ब्राह्मणों की ऑर्थोडॉक्सी रूढ़ीवाद को उनकी सुपेरियोरिटी को चैलेंज किया उसके खिलाफ आवाज़ उठाई आपको इसी चैप्टर से बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के एग्जाम्पल दे के अपना आर्ग्यूमेंट देना है तो हमने यही लिखा है कि प्राचीन भारत में समाज अलग अलग वर्गों में बंटा हुआ था ब्राह्मणों को सुपीरियर माना जाता था और कई ऐसी जातियां थीं जिनको अंडरमाइन किया जाता था उनको एक्सप्लोर किया जाता था इसीलिए उन्होंने ब्राह्मणों की ऑर्थोडॉक्सी के खिलाफ आवाज़ उठाई फिर ऐसे विरोध धार्मिक आंदोलन बन गए जिन्होंने बुद्धिज़्म और जैनिज़म को एस्टेब्लिश करने में काफ़ी मदद की क्योंकि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में लेवलिंग फीचर था यानी उसमें कोई जात पात का भेदभाव नहीं था और ये चीज़ें हमें बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर्स में देखने को मिलती हैं तीसरा क्वेश्चन ये है कि पब्लिक डिबेट और इंटेलेक्चुअल प्लूरलिज्म का भारत की परंपरा में क्या महत्व है इसमें इंटेलेक्चुअल प्लूरलिज्म का मतलब है कि किसी भी एक टॉपिक के बारे में लोगों के बीच में दो मत होना यानी बौद्धिक द्वैतवाद और पब्लिक डिबेट यानी सार्वजनिक वाद विवाद इन दोनों का क्या महत्व है तो हमने लिखा है कि काफ़ी बड़ा महत्व है क्योंकि ये पब्लिक लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं डेमोक्रेसी इनसे बहुत जुड़ी हुई है जब तक ये ट्रेडिशन पब्लिक डिबेट का ट्रेडिशन जारी है तब तक हमारी डेमोक्रेसी प्रिजर्व रहेगी एस्टेब्लिश रहेगी और पब्लिक डिबेट और आर्गुमेंट और जो है उन्होंने भारत को सुधार करने में काफ़ी मदद की है और कई असमानताओं को भी दूर किया है केवल भारत के आज के समाज में ही नहीं बल्कि प्राचीन जमाने में भी ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं जैसे कि कृष्ण अर्जुन का डिबेट है मैत्री याज्ञ वल के डिबेट है इन सभी डिबेट्स में हमें इंटेलेक्चुअल प्लूरलिज्म देखने को मिलता है दोनों पक्ष देखने को मिलते हैं जो इंडिया का कैरेक्टर फॉर्म करते हैं और फिर हमने लिखा है कि इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि हम हमारे आज के समाज की कई बुराइयों को असमानताओं को इस ट्रेडिशन को जारी रखकर दूर कर सकते हैं लास्ट क्वेश्चन ये है कि ये ऐसे इंडिया के हिस्ट्री और आइडेंटिटी को एक्सप्लेन करता है कैसे तो हमने आंसर में लिखा है कि इस ऐसे में अमर सेन इंडिया की हिस्ट्री से कई एग्जाम्पल्स को साइट करते हैं जैसे महाभारत है रामायण है उनसे कई डिबेट्स को हमारे समाज में व्याप्त कई बुराइयों को जैसे कास्टिज़्म है ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी है इन सब का जिक्र करते हैं और बाद में वो जैनिज़म और बुद्धिज़म का भी जिक्र करते हुए बताते हैं कि उनका प्रसार कैसे हुआ उसके बाद में इंडिया की आइडेंटिटी के बारे में बताते वो कहते हैं कि पब्लिक डिबेट्स और रीजनिंग का जो ट्रेडिशन है परंपरा उसने हर तरह के बैरियर को क्रॉस किया है पुरुष और महिलाओं दोनों ने इंटेलेक्चुअल पर्सिट्स में यानी बौद्धिक कार्यों में अपनी एबिलिटी शो की है सभी क्लासेस और सभी कैस्ट्स ने बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाई है और यही चीज़ हमारे इंडिया का कैरेक्टर और आइडेंटिटी बन गई है और लास्ट में हमने लिखा है कि इंडिया हैज़ हैड सच कैरेक्टर दैट इट हैज गाइडेड ऑल ह्यूमैनिटी विद इट्स फिलोसोफी एंड लिटरेचर यानी भारत का ऐसा चरित्र रहा है कि इसने पूरी मानवता को दिशा दिखाई है अपने दर्शन शास्त्र और साहित्य से इन दिस वे दिस्कसज इंडियाज हिस्ट्री एंड आइडेंटिटी बाई डिस्क्राइबिंग इट्स फीचर्स यह लेख भारत के इतिहास और उसकी पहचान की चर्चा करता है इसकी विशेषताएं बताते हुए ऑल स्टूडेंट्स सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लिप विद अनदर चैप्टर टिल देन टेक केयर बाय बाय एंड प्रिपेयर दिस टॉपिक